जनपद मुजफ्फरनगर में डीएम ऑफिस पर भूचुन माताओं ने आकर अपनी गुहार डीएम कार्यालय पर लगाई और ज्ञापन के माध्यम से कहा कि हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल कन्या नगर क्षेत्र पटेल कन्या और विद्यालय कला में हम सभी भूचुन माता के पद पर कार्यरत हैं। हमें केवल मार्च 2022 तक का वेतन प्राप्त हुआ, इसके बाद से आज तक कोई भी वेतन प्राप्त नहीं हुआ। 6 महीने का वेतन बेसिक शिक्षा विभाग पर बकाया है। भोजन माताओं ने बताया कि हम लोगों के घर की स्थिति महत तनावपूर्ण हो गई है। आपसे निवेदन है कि त्यौहार भी आ रहा है, इसलिए हमें वेतन दिलाने की कृपा करें। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में भोजन माताएं मौजूद रहीं। क्या नाम है आपका? रेशु। रेशु क्या काम करती हो? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ जी। भोजन माताओं के पद पे रख रखा है। हमारी सैलरी नहीं आ रही है, 6-7 महीने हो गए। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 1500 रुपये। तो क्यों नहीं मिली अभी तक 6 महीने से सैलरी? पता नहीं सर, बताते नहीं है। प्रॉब्लम कहते हैं कि हम लोग पैसा डाल दिए है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सैलरी के लिए, पर आ नहीं पा रही है। बैंक खाते में सैलरी आती है, नगद मिलते हैं जी? खाते हैं, बैंक में आती है। चेक किया बैंक अकाउंट? अभी तक तो नहीं किया सर, मैसेज आ जाता है हमारे पास। अच्छा। अगर सैलरी आती है तो मैसेज भी नहीं आया अभी तक। तो अभी कहाँ आए हो आप सर जी? जहाँ से इंजॉय कहाँ पे आई हो आप अभी? जब से जी क्या कहाँ दिखा रहे हो? इन्होंने कहा है कि बी एस ओ ऑफिस जाके बात कर रहे हो, चक्कर काट रहे हो केवल जी। क्या चाहते हो सर? अपनी सैलरी चाहते हैं।